मैं इस वाले से चंद अहम नुकात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। देखिए, दीन जो है इंसानी तरबियत के एक मजमूए का नाम है। इसके दो हिस्से हैं, एक है अखलाकियात और दूसरी को हम कहते हैं, दूसरे हिस्से को शरीयत या कवानीन शरीयत। अखलाकियात में ईसार, कुर्बानी, अपनी तमाम चीज़ें दूसरों पर निछावर करना, ये सारी चीज़ें अखलाकियात में आती हैं। अगर आप करते हैं तो आपके दर्जात में इजाफा होता है, नहीं करते तो गुनाह नहीं है। लेकिन शरीयत और कवानीन वहाँ पर हैं जहाँ पर दो अफराद के दरमियान हुकूक़ की जंग हो, हुकूक़ की जंग। वहाँ पर शरीयत ने आके हर फर्द के हक का तायुन करना होता है कि इसका हक ये है और इसका हक ये है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप शादी कर लेते हैं, घर आप बसाते हैं, तो घर को कवानीन की बुनियाद पर नहीं चलाया जा सकता, अखलाकियात की बुनियाद पर चलाया जा सकता है। इसलिए कि जब आप अखलाकियात की बुनियाद पर चलेंगे तो बीवी अपना सब कुछ शोहर के सुपुर्द कर देगी, शोहर अपना सब कुछ बीवी के सुपुर्द कर देगा, ये अखलाकियात है। लेकिन जब आप कवानीन के तहत चलाना चाहें तो शोहर कहेगा मुझ पर तो चार मौसमों में चार लिबास फ़र्ज हैं, उसके अलावा तुम्हें सर छुपाने के लिए कमरा देना फ़र्ज है, दो वक्त की रोटी देना फ़र्ज है, उसके अलावा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बीवी उधर से उसी तरह से जवाब देगी, मेरे जिम्मे ये काम शरीयत ने लगाए, बाकी चीज़ों में तो मैं तुम्हारे पाबंद हूँ नहीं। लिहाजा हुकूक़ तब हैं या कवानीन तब हैं जब आप अखलाकियात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने से कासिर हों या फिर वहाँ पर हुकूक़ की जंग छिड़ जाए। ठीक, इसलिए प्रेफर इस्लाम ने किया है अखलाकियात को। ये जो मौलाना ने मिसालें दी, सारी की सारी इस्लाम की अखलाकी रविश और सुन्नतों की मिसालें हैं। लेकिन उसी माशरे के अंदर झगड़े भी होते थे, बिल्कुल उसी माशरे के अंदर दोस्त और दोस्त के दरमियान, मियाँ और बीवी के दरमियान, बच्चे और माँ के दरमियान, बाप और बेटे के दरमियान झगड़े तो होते थे। अब जब झगड़े हों और वहाँ पर जब झगड़े होंगे तो अखलाकियात काम नहीं आएंगे, वहाँ पर फिर आपको कानून के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा। आज की दुनिया में ख्वातीन के हुकूक़ के नाम पर अखलाकियात को दफन कर दिया गया है, लेकिन कवानीन को सामने लाकर औरत को मकाम दिलाने की वो कोशिश की जा रही है जिसमें औरत को मकाम नहीं मिल रहा, उसकी हैसियत ख़त्म हो रही है। हमें इसलिए दोनों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, कवानीन जहाँ पर चाहिए वहाँ पर कवानीन, और अखलाकियात की जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर अखलाकियात। अखलाकियात ना हो तो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं आए, लेकिन जहाँ अखलाकियात से काम न चले वहाँ पर कानून की फिर ज़रूरत है। अगर कानून न हो तो फिर जो है जंगल बन जाता है, फिर इस्तेहसाल शुरू हो जाता है। टाइम है ना, मैं इसको कंप्लीट कर लूं। अब आपके उसी मौजू की तरफ आता हूं जिस मौजू की तरफ आपने इशारा किया। देखें, एक घर चलाने के लिए मियां और बीवी दोनों दो पहियों की मानंद है, लेकिन कुरान ने कहा अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्द सरपरस्त होता है और औरत उसकी विलायत में होती है। ठीक है, यानी औरत का वली मर्द है, उसका शोहर है, और शोहर से पहले उसका बाप है। ठीक, अब जब मर्द की विलायत में औरत चली गई तो अब औरत की तमाम तर जिम्मेदारी मर्द के जिम्मे है। हाँ, जब मुश्किलात हों तो उस वक्त क्या किया जाए? शरीयत ने यह कहा कि औरत की पहली जो जिम्मेदारी है वो घर के निज़ाम को चलाना है, औलाद की तरबियत करनी है। चूंकि औलाद की तरबियत कायनात में सबसे अहम तरीन काम है, मुलाजमत नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई और ऐसा काम उतना अहम नहीं है जितना काम नस्ल की तरबियत है। क्योंकि उस नस्ल की तरबियत से आप पूरे माशरे को इंसानी माशरा बनाते हैं, और अगर तरबियत आपने नहीं की तो वो हैवानी माशरा बन जाता है, वो नसल दर नसल चलनी है। और ये जो तरबियत है ये किसके जिम्मे है? ये औरत के जिम्मे है। यानी दूसरे लफ्जों में मखलूक खुदा की तरबियत का जो अजीम तरीन फरीजा है वो फरीजा औरत के जिम्मे है। ठीक है, अब आप जरा गौर करें कि औरत को जब ये फरीजा दिया गया तो उसके मकाम को बुलंद रखा गया या उसके मकाम को घटाया गया? उसके मकाम को बुलंद किया गया कि भाई तुमने आलम इंसानियत की तरबियत करनी है। मर्द में वो जरफियत नहीं है जो औरत में है, मर्द का बर्तन छोटा है इस वाले से औरत के बर्तन की निस्बत, लिहाजा औरत जो है इस फरीजे की जिम्मेदार है। अब अगर इस फरीजे की अदायगी के साथ वो अपने शोहर का हाथ बटाना चाहे, बाहर कहीं पर काम करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, नौकरी करना चाहे, और उसके उस बाहर के काम की वजह से उसके ख़ानदान की तरबियत का निज़ाम मुतासर न होता हो, तो फबिहा बिस्मिल्लाह करे
कोई उस पर कदगन नहीं है, शोहर की इजाजत शर्त है, शोहर इजाजत दे और उसको देना भी चाहिए और उसको ये काम करना चाहिए। अब अगली बात जो इंतहाई अहम है, जब औरत कमा कर लेकर आती है तो वो उसकी मालिकन है, शोहर मालिक नहीं है। सही, ये क्लियर कट, शोहर मालिक नहीं है, मालिक औरत है क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से कमाया है। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदहा सराई। पैगाम सुना एबाद सबा, पुर कैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह अल्लाह की किताब मुकद्दस में। बस गौर और फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ जिदनी इल्म, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरखा। नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बो। रमजान अल मुबारक के खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, फहीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।